हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्प्ले एंड फ्लोट अब डिस्प्ले होता क्या है एंड फ्लोट क्या होता है डिस्प्ले के अंदर आज हम तीन मेथड देखेंगे हम देखेंगे इनलाइन इनलाइन ब्लॉक एंड फ्लोट इसके अंदर और भी जैसे प्रॉपर्टीज आती है जैसे आती है फ्लैक्स फ्लैक्स पॉक्स तो वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है यूनिक टॉपिक है तो उसको हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे ये जो डिस्प्ले इन लाइन इन लाइन ब्लॉक एंड हमारे पास ब्लॉक है ये आज हम देखेंगे क्योंकि इसका ये अलग ही मायने रखता है और बाकी प्रॉपर्टीज़ अलग ही मायने रखती है उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोट हम फ्लोट देखेंगे फिर उसके बाद विद इन फाइव मिनट्स हम एक नेबर बनाएंगे वो भी विद इन जस्ट हम डिस्प्ले एंड हम फ्लोट की हेल्प से ही बनाएंगे उसके अंदर हम कुछ और यूज नहीं करेंगे तो दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हमने पहले इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे फिर उसके बाद हम नेबर का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट समझेंगे तो यहाँ पर मैं हेडर बना लेता हूँ हैडर हैडर हेडर के अंदर मैं एच वन लगा लेता हूँ एच वन दिस इज हैडर एंड इसके अंदर एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ लो रैम थर्टी टू ठीक है तो दोस्तों तो ये थर्टी टू करेक्टर ले लेगा लो रैम अब हम क्या करेंगे अब हम सबसे पहले हम एच वन का देखते हैं तो एच वन पहले उससे भी पहले हम अपना जो सर्वर है वो रन कर लेते हैं तो ओपन विद लाइव सर्वर तो दोस्तों जैसे ये हमारा हेडर है और ये हमारा पैराग्राफ टैग लगा हुआ है अब हम क्या करेंगे हम जो हैडर के अंदर जो अपना एच वन का टैग है उसको हम क्या कर देंगे उसकी डिस्प्ले कर देंगे डिस्प्ले डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ठीक है अब ये इनलाइन हो गया है अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट दिखाऊं तो दोस्तों ये जो हेडर के अंदर का जो एच वन है ये सिर्फ इतना ही ले रहा है जितना पोर्शन ये यहां से लेके यहां तक ही ले रहा है ठीक है दोस्तों अगर मैं यहां पर इसको कर दूँ ब्लॉक, तो अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूं अब ये देखिए दोस्तों ये पूरा ये ले रहा है पूरा ही ये ब्लू कलर में या डेट मीन ये पूरी विथ हंड्रेड परसेंट विथ ले रहा है अब अगर मैं कर दू इन लाइन ब्लॉक तो अब मैं अगर इसके ऊपर होवर करूं तो जहां तक उसका आ रहा है वो उतना ही ले रहा है इनलाइन के जैसा बट इनलाइन ब्लॉक में आपको एक फ़ायदा होता है ये कि आप इसकी विथ सेट कर सकते हो विथ मान लो मेरे को चाहिए फिफ्टी परसेंट की तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूं तो अब ये देखिए फिफ्टी परसेंट का ये विथ ले रहा है तो दोस्तों ये हमारे पास डिस्प्ले हैं तो अगर मैं मान लो मैं डिस्प्ले कुछ ना लूँ तो ये क्या करेगा तो ये ये देखिए दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट इनलाइन ब्लॉक लेता है अगर डिस्प्ले हम कुछ ना दें तो बाय डिफॉल्ट ये इनलाइन ब्लॉक लेता है अब अगर मैं मान लो मैं पैराग्राफ टैग को भी पैराग्राफ टैग को भी डिस्प्ले कर दूं इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन इन लाइन एंड इसको भी यहाँ से हटा दूँ तो अभी दोस्तों देखना क्या हो गया अब जहाँ से ये हैडर की हमने विथ दी थी वहीं से ये हमारा पैराग्राफ आना स्टार्ट हो चुका है डैट मीन्स यहाँ पर हमारे विथ खत्म हो रही है फिफ्टी परसेंट पर हमारी है जो हैडर की विथ खत्म हो रही है और पैराग्राफ भी हमने दिया है इनलाइन का तो क्या किया इसने ये जस्ट ऊपर चला गया जहाँ इसका हैडर ख़त्म हो रहा है वहीं से पैराग्राफ स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है ठीक है दोस्तों तो ये होता है हमारे पास हम चाहें तो एक इमेज भी लगा सकते हैं यहां पर जैसे आई एम जी आई एम जी और इमेज दे देते हैं ब्लॉक्स डॉट पी एन जी तो ये हमारी इमेज आ गई है एंड इमेज की फटाफट हम विथ सेट कर लेते हैं विथ 50 परसेंट एंड हाइट हम कर लेते हैं 200 हंड्रेड पिक्सल्स टू हंड्रेड पिक्सल्स टू एंड हम यहाँ पर 200 हंड्रेड पिक्सल्स इसको भी कर लेते हैं तो अभी 200 हंड्रेड पिक्सल हो गया है दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको आप फ्लोट दे सकते हो फ्लोट राइट right. तो अब ये इधर चला जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से डिस्प्ले इनलाइन डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड हमने देखा इसमें फ्लोट फ्लोट राइट एंड फ्लोट लेफ्ट भी देख लेते हैं हम फ्लोट लेफ्ट तो चलिए दोस्तों अब हम इसको समझते हैं कि कैसे मैं मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा वन है वो फ्लोट हो जाए वो फ्लोट राइट में चल जाए फ्लोट फ्लोट तो जो मेरा वन होगा वो फ्लोट राइट में आ गया और जो पैराग्राफ टैग था वो ऊपर आ गया है ठीक है दोस्तों अभी ये कैसे हुआ बिकॉज इसने 50% परसेंट यहाँ से लिया था 50% परसेंट इसकी विथ हमने दी हुई है तो 50% परसेंट ये राइट पे आ गया है एंड ये जैसे देखिए यहाँ से ये ऊपर आ गया है उसने अपने अकॉर्डिंग ही इनलाइन के अकॉर्डिंग ही उसने अपनी विथ सेट कर ली तो ठीक है दोस्तों तो तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर नेवर बना के बनाना सीखते हैं और वो भी फटाफट तो चलिए जितना भी हमारे यहाँ पर कोड है इसको हम कर लेते हैं कमेंट एंड हैडर एंड हैडर के अंदर हम एक एंकर टैग लेंगे और इसके अंदर हम कुछ नहीं पास करेंगे और यहाँ पे जैसे ये नैबार है नैबार ठीक है दोस्तों तो अब हम इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे एंड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम मान लो चार आइटम्स ले लेते हैं तो जैसे ये हुआ होम लिस्ट अबाउट लिस्ट कॉन्टैक्ट कौन एंड लिस्ट के अंदर हम लेंगे मींस डाउन लोड्स ठीक है ना दोस्तों तो अब हम क्या करेंगे अब हम फटाफट जाकर इसको हम चेक कर लेते हैं कि कैसा शो हो रहा है तो जैसे ये हमारा एंकर टैग ऐसे शो हो रहा है एंड ये हमारे अनऑर्डेड लिस्ट में लिस्ट वाइज शो हो रहा है तो अब मैं क्या करूँगा हेडर के अंदर की जो मेरा एंकर टैग है उसको फ़ॉन्ट साइल कर दो फ़ॉन्ट साइज कर दो टू आर ई एम कलर कर दो ब्लैक एंड टेक्स्ट डेकोरेशन है टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन ठीक है दोस्तों तो अब ये अंडरलाइन था वो गायब हो चुका है एंड अब हम क्या करेंगे अब हम जो इसके अंदर नैबर के अंदर नेबर के अंदर जो नैब नेव के नेव, नेव ने नेव लिया हमने सॉरी हमने नैबर लिया ही नहीं है तो हेडर के अंदर अन लिस्ट के अंदर अन लिस्ट को कर दो, कर दो फ्लोट कर दो फ्लोट कर दो राइट तो मेरा जो ये था अब ये इस साइड में राइट में फ्लोट कर गया है ठीक है दोस्तों अब मैं क्या करूँगा इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं एंड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डाल देते हैं कि अन हेडर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर list आइटम्स तो लिस्ट आइटम्स हैं तो लिस्ट आइटम के अंदर जो जितने भी मेरे डिस्प्ले है डिस्प्ले करा दो आइटम्स को इन लाइन ठीक है दोस्तों तो अब ये एक लाइन में आ गया है अब पैडिंग दे दो पैडिंग दे दो फिफ्टीन पिक्सल्स तो अब ये 15 पिक्सल्स हो गया है ये आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो दोस्तों देखिए हमारा ये नेवर बन के तैयार हो चुका है एंड हमने सिर्फ इसको कुछ नहीं किया हमने बनाया सिर्फ फ्लोट एंड डिस्प्ले की हेल्प से तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखूँ तो क्या ये रिस्पॉन्सिव है तो जी हाँ दोस्तों अभी आपको ये रिस्पॉन्सिव भी लग रहा होगा अभी आपको ये रिस्पॉोंसिव लग रहा है बट अब जैसे ही हम इसको और क्लोज लेके जा रहे हैं ये और नीचे होने लगा है तो इसको हम आगे चल के मीडिया मीडिया क्वेरी देखेंगे तो उसको हम उसके हेल्प से हम इसको ठीक कर लेंगे तो दोस्तों होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारा जितना भी ये डिस्प्ले फ्लोट इनलाइन इनलाइन ब्लॉक इनलाइन और ब्लॉक ये कैसे काम करता है तो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आता है फ्लैक्स बॉक्स एंड फ्लैक्स आइटम्स तो दोस्तों वो हम आगे चल के देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे बिकॉज़ वो अलग ही अपना एक कंसेप्ट है और वो बहुत ही मायने रखता है अगर वो आपने सीख लिया तो बहुत ही यूज़फुल होगा आपको सी सीखने में तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही एडवांस टॉपिक के साथ अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें